नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल तोमर आपका स्वागत करते हैं सचखंड न्यूज़ चैनल में। आज हम आए हैं बाबा राम रहीम के आश्रम डेरा सच्चा सौदा आश्रम बरनावा में, जहां पर एक नाम चर्चा का आयोजन किया गया था। और नाम चर्चा का अभी यहां पर साध संगत जो है अब अपने घर की ओर जा रही है। तो आइए जानते हैं जो यहाँ पर साध संगत आई है किस कार्य से जो है यहाँ पर आई है। हेलो अंकल जी, आपका नाम? मेरा नाम सुखबीर सिंह इंसा है। आप कहाँ से आए हो? मैं सहारनपुर से आया हूँ जी। आप सहारनपुर से आए हो, आप डेरा सच्चा सौदा से कब से जुड़े हुए हो? मैं 4 मार्च सन 1984 से डेरा से जुड़ा हुआ हूँ। आप इतने लंबे समय से 1984 से जो है आप जुड़े हुए हो। गुरुगद्दी शायद 1990 में मिली थी, तो शायद आपके सामने ही वो दृश्य होगा। तो आप उस समय के कुछ अनुभव जो बताएंगे, आप बताना चाहेंगे कि जैसे गुरुजी अभी मौजूद नहीं है, जो समाज में मीडिया द्वारा दिखाया जा रहा है गुरुजी के बारे में, तो आप गुरुजी के बारे में क्या बताना चाहेंगे हमारे समाज को? मैं सिर्फ ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी मीडिया ने दिखाया है या दिखा रहा है वो 100% झूठ है। गुरुजी जो है सच थे, सच हैं, सच ही रहेंगे जी। गुरुजी सच थे, सच हैं और सच ही रहेंगे। आपका जो आस्था का जो है, कब तक आप गुरुजी पे विश्वास ऐसे ही करते रहोगे? 2 जो है गुरुजी आपके बीच में मौजूद नहीं है, सुनारिया में हैं जो है 2 से, तो कब तक आप ऐसे ही अपनी श्रद्धा बनाए रखोगे अपने गुरुजी से? मेरी श्रद्धा का मैं बताऊं आपको, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ था, उसमें रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी। पिताजी ने वचन करे थे कि ये ठीक हो जाएगा। पिताजी के वचनों की वजह से आज वो ठीक भी है और बढ़िया नौकरी कर रहा है। इससे बड़ा करिश्मा और क्या हो सकता है? जिसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है, मैं अपनी ज़िंदगी में कोई आदमी चलता हुआ नहीं देखा है, लेकिन मेरा बेटा जो है स्वस्थ है और बहुत अच्छी नौकरी कर रहा है। आज 60-65 हज़ार रुपये तनख्वाह ले रहा है, तो ये सब गुरु जी की रहमत है। तो अंकल जी, आप और अपने यहाँ पर आए हुए जो आपकी उम्र के कुछ बुजुर्ग भी हैं, तो वहाँ पर भ्रांतियाँ फैली हुई हैं गुरुजी के बारे में, अनाप शनाप वो लोग बोलते हैं, आप उन्हें क्या यहाँ से मैसेज देना चाहते हैं कि गुरुजी के बारे में आप क्या उन्हें बतलाना चाहते हैं कि गुरुजी किस तरह से जो है इस समाज के लिए ज़रूरी हैं? गुरुजी समाज सुधार के 134 कार्य कर रहे हैं, इससे बड़ा उदाहरण आज तक इतिहास में नहीं रहा है कि किसी ने वैश्याओं को अपनी बेटी बनाकर शादी कराई हो। आज तक का इतिहास का चारों युग बीत गए हैं, कोई एक उदाहरण ऐसा बता दो किसी ने भी वैश्याओं को अपनी बेटी बनाकर शादी कराई हो। गुरुजी ने ऐसी 19 वैश्याओं को शुभ देवी का नाम दे के, पिताजी की जगह अपना नाम दे के उनकी शादी करी, और इससे बड़ा काम क्या हो सकता है जी। इन्होंने जो सफाई करी है, जो बम्बई में हर एक जगह 6 में बम्बई को सभा कर आए थे, 12-13 शहर सभा करे हमने जी। हाँ। ये देखो, बुजुर्ग अवस्था वाले जो लोग हैं यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, गुरुजी के बारे में अपने विचार बता रहे हैं, जो ये बता रहे हैं कि जो 134 जो कार्य हैं उनमें सफाई अभियान, खूनदान और ये गरीबों को मकान बनाकर देना, ये जो है ऐसे ही विधवाओं की शादी करना और वैश्याओं जिनका नाम सुनना भी जो है लोग पसंद नहीं करते हैं, वहाँ दरिंदगी करने के लिए उनके द्वार पे जाते हैं, ये वो लोग हैं जो उन्हें अपनी बहन बेटी बनाकर अपने पास लाते हैं और उनकी शादियाँ करवाते हैं। यहाँ पर डेरा सच्चा सौदा में अब तक 19 जो है वैश्याओं की शादी जो है करा दी गई है। यहाँ पर वैश्याओं को भी एक गुरुजी ने अपनी बेटी के रूप में जो है उन्हें नाम दिया है, उन्हें शुभ देवी जो है ये पुकारते हैं, उस शुभ देवी के नाम से पुकारा जाता है और करोड़ों की साथ संगत के सामने उनकी यहाँ पर शादी होती है, उन्हें बहुत आदर सत्कार से यहाँ पर अपनाया जाता है। जिन्हें लोग धुतकारते हैं वो डेरा सच्चा सौदा उन्हें अपनाते हैं जी। कलयुग में यही राम है सर। और आप कुछ बताना चाहेंगे? किन्नरों को तीसरे जेंडर का दर्जा दिलवाना, ये पूज्य गुरुजी की मेहनत का ही फल है, जो आज किन्नर जो है थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुके हैं जी।
जो किन्नर जो अपना समाज है इनका बताना है कि इनके गुरुजी ने मुहिम चलाई थी और सुप्रीम कोर्ट से जो है इन्होंने जो किन्नर समाज है उसे थर्ड जेंडर का जो है एक वो दिलाया है, दर्जा दिलाया है। अब दो थर्ड जेंडर जो है किन्नर समाज को जो है सुख दुआ उन्हें नाम दिया गया था। गुरुजी ने कहा था कि ये नाम जो है इन्हें अच्छा नहीं लगता, शोभा नहीं देता, जो किन्नर समाज इन्हें खुसरा जो कहते हैं, और उसे बदलकर गुरुजी ने इन्हें सुख दुआ का नाम दिया था। कहते हैं कि कलयुग जब राम जी थे, राम जी ने जो है किन्नरों को जो है ना ये आदेश दिया था, वहाँ से जब आप अपने वनवास पर जा रहे थे तो उन्होंने कहा था कि आप जो पुरुष और महिलाएं हैं वो अपने घर को लौट जाएं, और जब 14 साल पूरे हो गए थे तो राम जी जो हैं वापस जब आए तो देखा था वहाँ पर किन्नर समाज जो वहीं पर बैठे हुए थे, तो उन्होंने राम जी ने कहा आप यहाँ पर कैसे, तो उन्होंने कहा कि आपने कहा था कि महिला और नर और नारी जो है वापस चले जाएं, हम इन दोनों में से नहीं आते, इसलिए यहाँ पर उपस्थित है। तो राम जी ने खुश होकर कहा था कि बेटा आपको जो है आपकी भक्ति जो है कबूल करी है, और आपको जो है कलयुग में आकर खुद खुदा राम आकर जो है आपको भगवान आकर आपको जो है आपका उद्धार करेंगे। तो इनका कहना है कि वही उद्धार जो है सदगुरु ने उन्हें थर्ड जेंडर का दिलाकर जो किया है। ये ऐसे ऐसे मानवता भलाई के जो कार्य करते हैं, इनका कहना है कलयुग में राम है जिन्हें वहाँ पर तप करने के लिए जो अभी तप सुनारिया धाम में कर रहे हैं, ये सुनारिया को भी धाम कहते हैं, उसे जेल नहीं कहते हैं, और ये अपनी आस्था का केंद्र बना रखा है। इनसे जानते हैं कि ये अपनी आस्था के केंद्र कब तक ये बनाएंगे और कब तक यहाँ ऐसे ही आते रहेंगे। खाने की बात तो ये है कि जब तक सांस है, स्वास्थ्य इजाज़त देता है, तब तक डर सौदा छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। जी अंकल जी का कहना है कि जब तक इस शरीर में प्राण है डेरा सच्चा सौदा में आना नहीं छोड़ेंगे, ये डेरा सच्चा सौदा में आते रहेंगे। जी सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन आयुष के साथ राहुल तोमर, सच कहूं न्यूज़, धन्यवाद सर।